नेशनल फार्मर डे है और 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे होता है। पूरी कंट्री में ये मनाया जाता है, तो हम लोग आज उसी की पूरे फार्मर को दिल से बहुत सारी बधाई देते हैं कि फार्मर डे उनके लिए बहुत कुछ नया लेकर आए अगले फार्मर डे पर। तो आज हम लोग यहाँ से बैलगाड़ी, आप लोगों ने देखा कल हमने वो वखर चलाई और उसके बाद ये गाड़ी हमारे अंकल लेके जा रहे थे, तो हम सब बच्चों कंपनी ने हमने उनको जोरों से आवाज लगाई कि रुको 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 रुको, हमें भी आने दो। आपको आसान भाषा में बताऊँ तो हम लोगों ने इनसे लिफ्ट मांगी है, लेकिन अभी देखते लिफ्ट मांगते मांगते हम लोगों ने पूरे गाड़ी पर कब्जा कैसे किया, फिर आप देखना बहुत मजा आएगा आगे। तो अभी हम लोग सब बच्चे कंपनी बहुत अच्छे से बैठ गए, सब माहिर है बैलगाड़ी में बैठने को, और ये बैल भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे थे। लेकिन ये ना सामने कैमरा मैन हो तो देखो कैसे स्टॉप हो रहे हैं कि उनको आगे जाने में दिक्कत आ रही थी, तो लेकिन शूटिंग भी करना था इसीलिए बैलगाड़ी का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी बैलगाड़ी का वीडियो बनता है तो हम लोग तो गाड़ी पे होते हैं, लेकिन जो कैमरा मैन होता है उसे इधर उधर से शूटिंग लेना होता है। देखो ये बैल चल ही नहीं रहे, क्योंकि जब तक कैमरा मैन हटेगा नहीं वो चलेगी नहीं, ऐसी दिक्कत आती है। और एक मुझे प्रॉब्लम ये भी होती है, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी पैरों से चार पैर होते हैं, चार पैरों से तेज चलते हैं और बेचारा इंसान कैसे चलेगा साइड में, और बहुत दूर से लिया तो अच्छी नहीं लगती। अभी देखो बैल सामने फिर से रुक गए, ऐसे हो रहा था तो फिर हम लोगों ने फिर उसको कोने में खड़ा कर दिया और फिर बैलगाड़ी को स्टार्ट किया। अभी हमारे अंकल चला रहे हैं, लेकिन हम उनको बाग घाट में थोड़ी देर के बाद उनके हाथ से हम भी ले लेंगे, क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी मुझे भी चलानी है, पर अभी नहीं, थोड़ा रुको अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये बैल बहुत नए हैं और अंकल लेकिन हमारे गाँव वाले और बच्चे तो कितने हाथी हाथी है और सारे के सारे ऐसे चढ़ गए ना कि बस। और ये शूटिंग और ये बैलों का रुकना चल ही रहा था, रुक ही नहीं रहे थे, इसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि ऐसे तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते और जो ऐसी वीडियो बनी भी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो कुछ ना कुछ मैं दिमाग में सोच रही थी, कृष्ण भगवान को बोल रही थी कुछ ना कुछ तो कर दो, ताकि मेरे बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में, जिनको बैलगाड़ी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं बहुत प्यारी सी वीडियो बनाऊँ। अभी हमारा घर भी आ गए, लेकिन हम लोगों ने नीचे नहीं उतरे, देखो अभी उनको ही छोड़ के ही वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर रुके और फिर कैमरा मैन को आगे जाने दिया, और अभी ऐसे तो बहुत मुश्किल हो रही थी, और अभी यहाँ से तो बहुत नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ड्राइवर है तो यहाँ से बहुत फास्ट जाएंगे, कैमरे में इतना अचानक से नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत मज़ा अभी आता है, डर भी लगता है क्योंकि ऐसे ज़ोर से गाड़ी नीचे जाएंगी धमाक से। अभी देखो ये रास्ता है उधर का, और अभी यहाँ से फटाक से गाड़ी नीचे जाएंगी, और अभी देखना आप लोग आराम से देखो, बहुत अच्छी लगती है ये बैलगाड़ी की वीडियो, लेकिन शूट करने वाले कैमरा मैन को पूछा कि क्या होता है फिर बैलगाड़ी की वीडियो शूट करते टाइम, इसको आप उसका एक्सपीरियंस पूछना, उसको फिर पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग फोटो आगे फटाफट से जा रहे उनके जो वहाँ उनका रास्ता है ना, उनका घर वहीं पे जाएंगे। और पुल के नीचे ऊपर हम आ गए, वहां से हम नीचे आ गए, वो बहुत डेंजरस था, और मैंने धीरे धीरे हमारे हाथ में पहले के दो रस्सी ले लिया, अभी अभी मैं चलाऊंगी उनको। और लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कैमरे के सामने बैल रुक रहे, तो इसलिए मैं क्या करूँ सोच रही थी, भगवान से प्रार्थना भी थी, और आपको यकीन होगा कि उन्होंने इतनी जल्दी सुनी। अभी देखो बच्चे के बहुत बहुत खुश है, और
हमारे एक भाई गांव वाले वो जा रहे थे यहाँ से बाइक पे, तो हम लोगों ने अनीता को उसके पीछे बिठाकर बाकी की शूटिंग कर ली। तो फिर बहुत तेज़ी से बैल भगाए, क्योंकि मुझे तो बैलगाड़ी या मेरी स्कूटी भी मैं धीरे से बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, बहुत तेज जैसे कि हवा में बातें करती हुई चलनी चाहिए तभी मज़ा आता है। लेकिन ध्यान क्या करती है, तो अभी बच्चे देखे कैसे खुश है। और अभी हम लोगों को यहाँ पे बाइक मिली और उसके अनीता बैठ गई। अभी आप बहुत इंजॉय करोगे क्योंकि अभी बैलों को मैं बहुत ज़ोरों से भगाने वाली हूँ। पूरी क्योंकि उनके सामने कैमरा मैन उनको दिख नहीं रहा, उनको तो बस गाड़ी दिखाई दे रही है। तो अभी देखो कैसे भाग रहे हैं हमारे सजा राजा की गोली लग रही थी और गाड़ी भी भाग रही थी, इसीलिए हम लोग थोड़े पीछे क्योंकि बैल इतने तेज होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अभी देखो कैसे बैल दौड़ गई है उसी एक स्पेस कितना भाग रहा है और ये रियल साउंड है जो बैल गाड़ी की आती धड़क धड़क और इसमें बहुत उछल कूद भी होती है, तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसी बैलगाड़ी भगाना ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे से फास्ट एंड फास्ट भाग रहे, लेकिन आपको करीब से नहीं दिखा पा रहे क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए तो आप देखना आप ऐसे ही। और अभी डर भी आ गया हम लोगों का यहाँ पे, तो अभी मैं थोड़ा सा और इसी तरह से हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए यहाँ पे पहुँच गए और बच्चे भी बहुत खुश थे। अभी एक एक उतर रहे थे और फिर चढ़ रहे थे, अभी बोल रहे थे कि और एक राउंड लगाते, तो हमने नहीं अभी उतरना है, फिर चढ़ गए। देखो नीचे उतरे फिर ऊपर उतरे, अभी बैल को छोड़ना है और यहाँ पर और बैल देखो कैसे झूठ तो बाजू में हो जाते फटाक से। तो अभी हम लोग यहाँ पर उनके ये उनका खेत है जहाँ पर हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर ही उनको ये चारा लाना था हरा हरा, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।